गोबरनावापारा के त्रिवेणी संगम महानदी में फैली गंदगी के चलते लोगों को हो रही दिक्कतों को देखते हुए नगर के त्रिवेणी संगम श्राद्ध समिति द्वारा नदी की सफाई का बीड़ा उठाया गया है। समिति के सदस्यों द्वारा पिछले दो दिनों से नदी के नेहरू घाट में सफाई अभियान चलाया जा रहा है। सुबह 6 से 9 बजे तक समिति के सदस्य नदी की सफाई कर रहे हैं। इस दौरान नदी में फैले लगभग 2 ट्रैक्टर का ही प्लास्टिक की अनुपयोगी बोरियों सहित अन्य गंदी सामग्रियों को बाहर निकाला गया। समिति के सदस्यों का कहना है कि नदी की सफाई पूरी होने तक उनका यह अभियान लगातार जारी रहेगा। समिति के सदस्यों के इस अभियान की नगर वासियों द्वारा सराहना भी की जा रही है। बता दें कि गोबरनावापारा की अधिकांश आबादी निस्तारी के लिए महानदी पर ही निर्भर है। इसके अलावा प्रयागराज की तरह पवित्र त्रिवेणी संगम होने के कारण प्रदेश के विभिन्न कोनों से लोग अस्थि विसर्जन करने, पितरों का तर्पण सहित अन्य कर्मकांडों के लिए यहां आते हैं। वर्तमान में नदी में फैली गंदगी के चलते स्थानीय लोगों को निस्तारी के दौरान गंदे पानी के कारण शरीर में खुजली और अन्य विकार हो रहे थे। इसके अलावा पिंडदान, तर्पण और अन्य कर्मकांडों के लिए लोरमी, राजनांदगांव जैसे अन्य दूर दराज के क्षेत्र से आने वाले लोग भी नदी की दुर्दशा के चलते काफी असहज महसूस कर रहे थे। स्थानीय नगर पालिका द्वारा इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा था। इसे देखते हुए त्रिवेणी संगम श्राद्ध समिति द्वारा खुद ही नदी की सफाई का बीड़ा उठाया गया है। दो दिन से चल रहे सफाई अभियान में दर्जनों स्वयंसेवकों, महानदी के कर्मठ प्रहरियों एवं त्रिवेणी संगम नदी के तट पर साफ सफाई कर रहे हैं। नमस्कार, मैं आई हूँ मुंगेली जिला लोरमी से, पर नाम बहुत है राजीव मेला करके नाम सुने भी हैं, इसलिए हम कुछ अपने दुख लेके यहाँ आए। मतलब बहन थी उसका अस्थि विसर्जन करने के लिए भाई का, पर यहाँ असुविधा है, धूप है, गंदगी है, कोई भी यहाँ असुविधाजनक कुछ भी चीज़ नहीं है कि यहाँ कुछ बड़ा। नाम बड़ा है, दर्शन छोटा है। राजीव, हम नाम सुन क्या है, पर यहाँ दर्शन छोटा, यहाँ कुछ भी सुविधा नहीं है। उसके लिए मैं तो खुश नहीं हूँ भाई, मेरे को बहुत दुख लगा यहाँ आके। जी जी, आपका सुनना बताएंगे। हम लोग राजनांदगांव से आए हैं, छत्तीसगढ़ से। और छत्तीसगढ़ की जो गंगोत्री है राजीव जी, वहाँ हम अपनी माता जी का अस्थि विसर्जन करने आए हैं। तो यहाँ के सुविधा में हमने देखा, जैसे ही हम अस्थि विसर्जित करते हैं वहाँ पे कुछ छोटे छोटे बच्चे लोग आके ना एकदम झपट जाते हैं, और जो चीज़ हमें प्रवाहित करना है उसे ये खुद ही छीन ले जाते हैं। उसके बाद वहीं पे सुअर दिखता है चलते हुए, जिसका हमने वीडियो बनाया है। बहुत गंदगी है, उस पर संबंधित विभाग को, नगर निगम को पूरा इसका मुआयना करना चाहिए। और यहाँ आने पर हमें महसूस हुआ कि बहुत अच्छा तीर्थ स्थल है, सरकार ने बहुत अच्छा प्रयास किया है इसको संवारने का, लेकिन बहुत कुछ सुधारने की अभी और ज़रूरत है। ये महानदी सफाई अभियान का प्रेरणा हमको आज से 2 साल पहले से नायपारा राजीव के द्वारा जो दो पहले से जुड़े हैं वहाँ से हमको प्रेरणा मिली है। ये हमारी महानदी त्रिवेणी संगम नेहरू घाट का नज़ारा है जो आप सब देख रहे हैं, और यहाँ से कम 50-60 परिवार का रोजी रोटी चल रहा है। शासन प्रशासन से बोलते हुए तो हम परेशान हो गए, उन लोग इस बात पर कोई ध्यान नहीं दिए। तब ये जिम्मेदारी नगर से जुड़े मोहल्ले से लगे हुए हैं हम लोग, जो त्रिवेणी संगम नेहरू घाट का सफाई अभियान कल से बीड़ा उठाए हैं। हम लोग जजमान समिति वाले सब भाई, समिति के जितने भी सदस्य हैं, कल से प्रयास में लगे हैं कि महानदी सभी का है, वहाँ से हम लोग का जीवन यापन सभी का निस्तारी चल रहा है, और उसका अभियान सब महानदी की सफाई करने के लिए ठान लिए हैं। उसमें हमारा सभी भाइयों का बहुत बढ़िया योगदान मिल रहा है जी। जो आप देख रहे हैं कितना दूर दूर तक कीचड़ है, गंदा माहौल है, और ये हमारा प्रेरणा है महानदी बचाओ सफाई अभियान, जिसके पश्चात हम अपने तन मन धन से सहयोग कर रहे हैं। कोरोना से जंग अब भी जारी है। वहीं छत्तीसगढ़ में लगातार कोरोना संक्रमित मरीजों के
आंकड़ों में बढ़ोतरी हो रही है। ऐसे में बार बार नेशन अपडेट की टीम आपसे अपील करती है कि आप घर पर रहें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें और सरकार द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करें, क्योंकि आपकी सुरक्षा ही आपकी जिम्मेदारी है। तो अभी के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत और इसी प्रकार की लेटेस्ट और रोचक खबरों से जुड़े रहने के लिए बने रहिए हमारे साथ nationupdate.in में। और हाँ, आप खबरों से हर पल अपडेट रहने के लिए आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं nationupdate.in का ऐप। For more updates, subscribe to our YouTube channel, nationupdate.in.